इस खबर के एजुकेशन पार्टनर हैं वेल फाउंडेड हायर सेकेंडरी स्कूल किला गेट रोड ग्वालियर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और अब चलते हैं आज की खबरों की ओर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ग्वालियर द्वारा चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। यह कार्यक्रम हॉरर थीम पर आधारित था, जिसमें कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए जेडी के बच्चों ने चिल्ड्रंस डे मनाया। आज का जो आयोजन है वो चिल्ड्रन डे के रूप में किया गया है, बिकॉज की 14 नवंबर को दिवाली थी, तो उस दिन हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग करा गए थे। जिस तरह जेडी इंस्टीट्यूट प्रतिवर्ष चिल्ड्रन डे पे एक बच्चों के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, तो आज के दिन वही पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। इस पार्टी का सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये एक थीम बेस्ड पार्टी है। इसमें हेलोइन थीम, मतलब हॉरर थीम ली गई है। उस थीम के अकॉर्डिंग बच्चे अपने कॉस्ट्यूम्स को बेयर करके आए हैं और अपना मेकअप भी उन्होंने हॉरर थीम के अकॉर्डिंग किया गया है। ठीक है, इसमें लगभग 80 बच्चों ने पार्ट लिया है और इन 80 बच्चों में से बेस्ट मेकअप जिसका रहेगा उसको विनर के रूप में उसे घोषित किया जाएगा। एंड कई एक्टिविटीज़ हुई, इन एक्टिविटीज़ में भी उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। इसके पीछे सोच ये रहती है कि बच्चों को कुछ नया करने को मिले और कुछ नया सीखने को मिले। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम पिछले 8 महीने से जो सब लोग कोरोना की वजह से देख रहे हैं कि कहीं भी कुछ नहीं आयोजन हो पा रहा, तो आज बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ मिलने का मौका मिला है। हालांकि हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन किया है, मास्क का पालन किया है, किसी तरह का कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरे केवल एक ही संदेश है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज कीजिए। जैसा कि अपने शहर में अभियान चल रहा है मास्क के लिए, तो हर व्यक्ति मास्क का यूज करे।